दोनों सीमाओं पर तांडव मचाएगा भारत। अब चीन पाक सेना के खिलाफ होगा एक्शन। दुश्मन के खिलाफ मोदी उतारने वाले हैं एक साथ 120 तबाही वाले ड्रोन्स की फौज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये समय परंपरागत युद्धों का नहीं बल्कि स्मार्ट वार का है, यानी दुश्मन के हजार सैनिकों को खत्म करने के लिए हमारे भी 1000 जवान उतारने की जरूरत नहीं, या फिर दुश्मन के फाइटर जेट्स की संख्या में उतने ही फाइटर जेट उतारने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब वक्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी सुसाइड ड्रोन्स या फिर लेजर हथियारों का, जो पल भर में युद्ध खत्म कर सकते हैं। हाल ही में हमने आपको ये भी बताया था कि भारत काली हथियार, जो दुनिया का सबसे खतरनाक लेजर हथियार है, जिसके भारत काली 1000 से लेकर काली 10000 तक के हथियार उतारे जा चुके हैं, वहीं अब उससे भी घातक दुर्गा 2 भी उतारा जा चुका है और लगातार इनके अपग्रेडेड वर्जन तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, लेजर हथियारों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन्स को भी विकसित किया जा रहा है, जो अमेरिका सरीखे देशों का सबसे पसंदीदा और घातक हथियार है। अब वर्ल्ड क्लास सुसाइड्स ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी सहायता से कई हजारों किलोमीटर दूर बैठे जवान दुश्मन को मारकर गिरा सकते हैं। इससे ना तो हमारे जवान शहीद होंगे और ना ही दुश्मन भारत की सीमाओं में पैर रखने की जरूरत कर पाएगा। हालांकि दोस्तों, भारत इस मामले में अमेरिका और यहां तक कि थोड़े से भी पीछे है, लेकिन क्योंकि दोस्तों भारत को अब किसी भी देश से पीछे रहने की आदत नहीं है, इसलिए भारत अमेरिका की टक्कर के ड्रोन्स तैयार कर रहा है और हाल ही में इस मामले में भारत को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे ये जानकर कि इनमें 2-4 ड्रोन्स ही पूरे युद्ध को खत्म कर सकते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध, जिसमें अजरबैजान ने आसानी से आर्मेनिया को युद्ध में हरा दिया था और अभी यूक्रेन तुर्की के ड्रोन्स के जरिए रूस का काफी नुकसान कर चुका है। दोस्तों, अब भारत जिस तरह से ड्रोन्स की फौज उतारने वाला है, वो तुर्की के ड्रोन्स से भी कहीं ज्यादा घातक और मारक होंगे। दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत 2-4 या 10-20 नहीं बल्कि 120 ड्रोन्स की पूरी फौज तैयार कर रहा है, यानी अब सीमाओं पर भारत एक तरह का तूफान लेकर आ रहा है, जो दुश्मनों की कब सांस थाम देगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो आइए जानते हैं भारत के इस सबसे नए और खूंखार हथियार के बारे में, जो सीमा पर एंट्री करने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत बना रहा है नए जमाने का सबसे बड़ा हथियार। भारत को मिली बड़ी सफलता, रूस से आगे निकला भारत। दोस्तों, जो भारत रूस से हथियार खरीदता था, आज वही भारत कई हथियारों के मामले में रूस से भी आगे निकल रहा है। जैसे कि हाल ही में हमने आपको बताया था कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल, जिसे भारत आज से 10-11 साल पहले ही डेवलप कर चुका था और जिसकी रेंज 8000 तक है, रूस ने ऐसी ही मिसाइल का टेस्ट अब किया है। दोस्तों, इस कड़ी में भारत एक बार फिर से रूस से आगे निकलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार के ड्रोन्स को भारत विकसित कर रहा है, रूस तक नहीं पहुंच पाया है। तभी तो हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने भारत की 2 बार तारीफ भी की थी। दोस्तों, इस ड्रोन को बनाने से पहले हमको ऐसे ड्रोन्स की युद्ध में क्या अहमियत होती है, ये बताएंगे। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को 9 महीने हो चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर घातक बम और मिसाइलों की बारिश कर रही है। इसमें दोनों देश एक दूसरे पर आत्मघाती ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस की सेना ने ईरान के 136 आत्मघाती ड्रोन की मदद से यूक्रेन को अंधेरे में डुबो दिया। वहीं अब यूक्रेन भी आत्मघाती ड्रोन की मदद से रूस पर हमले तेज कर रहा है। अब आत्मघाती ड्रोन्स की इस सफलता के बाद भारतीय सेना ने भी इन पर बड़ा दाव लगाया है। यही नहीं, भारत ने एक महाशक्तिशाली कामिकाजी ड्रोन का परीक्षण भी किया है, जो पूरी तरह से सफल रहा है। कामिकाजी ड्रोन, जिसमें हथियारों से लैस ड्रोन विमान अपने लक्ष्य का इंतजार करता है और उसकी पहचान होते ही शिकार पर मौत बनकर टूट पड़ता है। कहने का मतलब है, आत्मघाती ड्रोन एक तरह का हथियार सिस्टम होता है, जो मानव रहित होता है। इसे उन लक्ष्यों को तबाह करने के लिए बनाया गया है, जो आंखों से दिखाई नहीं देते। इन ड्रोन विमानों में आगे की ओर विस्फोटक लगा होता है, जो टकराते ही फट जाता है। ये सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल और ड्रोन विमान का मिश्रण होता है। मिसाइल से अलग होने के कारण कामिकाजी ड्रोन
ड्रोन को ठीक उसी तरह से लॉन्च किया जा सकता है जिस तरह से ड्रोन विमानों को किया जाता है। ये आत्मघाती ड्रोन विमान लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं, हमले वाले इलाके का सर्वेक्षण कर सकते हैं और शिकार की तलाश कर सकते हैं। भारत की स्वदेशी ड्रोन ने मचाई पोखरण में तबाही, 1000 किलोमीटर तक कोई नहीं बचेगा इसकी नजरों से। दोस्तों, एक बार जब शिकार की तलाश हो जाती है तो उसे लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद ये ड्रोन विमान हवा से मिसाइल की तरह से अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन विमान आकार में अन्य हमलावर या लड़ाकू ड्रोन की तुलना में छोटे, सस्ते और बहुत आसान सिस्टम से लैस होते हैं। इन आत्मघाती ड्रोन विमान को बड़ी संख्या में एक साथ लॉन्च किया जाता है। ये बहुत निचली कक्षा में उड़ान भरते हैं और रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मानव रहित विमान भारत ने हाल ही में उतारा था। भारत के स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन ने पिछले दिनों पोखरण में सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को तबाह किया। ये कामकाजी ड्रोन विमान चुनौतीपूर्ण इलाकों और ऊंचाई वाले जोन से भी काम कर सकता है। इस स्वचालित सिस्टम को भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। ये किलर ड्रोन अपने साथ 23 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। इस सिस्टम को LS-50 नाम दिया गया है। परीक्षण के दौरान इस ड्रोन विमान ने अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। ये ड्रोन अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके में भी बहुत कारगर पाया गया। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है, जो बाकी देशों के ड्रोन से काफी ज्यादा है। भारतीय सेना यदि चाहे तो वो विस्फोटक ले जाने की क्षमता को बढ़ा सकती है। इसे भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों से भी लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय सेना ने कामकाजी ड्रोन खरीदने के लिए निविदा निकाली है। आत्मघाती ड्रोन दागने के 10 सिस्टम लिए जाने हैं, जिसमें 120 ड्रोन होंगे। यानी ऐसे विशालकाय खूंखार ड्रोन पूरी फौज में दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। खैर दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।